एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम को किसी तारुफ की जरूरत नहीं, जिनके लिए सब कहते कि वो फरिश्ता थे। स्वभाव के बहुत शर्मीले, खाने का, पतंग उड़ाने का, बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक। हिंदी सिनेमा और संगीत को चाहने वाले हर इंसान के दिल पर राज करने वाले मोहम्मद रफी, जिन्हें कोई नाम से नहीं बुलाता था, सब साहब जी बुलाते थे। आज उनके ही कुछ किस्से सुनाने वाली हूँ, रील नहीं, रियल स्टोरीज में। जितनी इज्जत, जितना प्यार रफी साहब की गायकी को किया जाता था, उतनी ही इज्जत, उतना ही प्यार उनके स्वभाव के लिए हमेशा रहा है। किशोरदा भी उनमें से एक थे जो रफी साहब की बात को टालते नहीं थे कभी। बात 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी की है। रफी साहब ने कवाली रिकॉर्ड की, ऋषि कपूर पर फिल्माई जानी थी। एडिटिंग के दौरान मनमोहन देसाई के असिस्टेंट ने नोटिस किया कि एक लाइन जहां अकबर मेरा नाम नहीं गाया गया है, यहां तो होना चाहिए था अकबर तेरा नाम नहीं, क्योंकि ये अकेली लाइन थी जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माई जानी थी। इस लाइन को फिर रिकॉर्ड करने की जरूरत थी, लेकिन मालूम हुआ रफी साहब तो लंदन में है। किसी ने सजेशन दिया किशोरदा से करवाया जाए तो फिर क्या बात हो जाए। लेकिन भला किशोरदा से बात करे कौन, कौन कहे कि ये एक लाइन रिकॉर्ड कर दे। मनमोहन देसाई ने रफी साहब को फोन किया, कहा कि वो किशोरदा से बात करें। जब रफी साहब ने किशोरदा को सारी बात बताई तो एक लाइन को रिकॉर्ड करने के लिए कहा, किशोरदा ने बिल्कुल मना नहीं किया। अगले ही दिन रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए। फिल्म दिल एक मंदिर का एक गाना रिकॉर्ड होना था, याद न जाए बीते दिनों की। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। म्यूजिशियंस और वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए थे। सुबह जब शंकर जयकिशन को मालूम हुआ, रफी साहब घर से निकल चुके थे। कहा जाता है जब रफी साहब की गाड़ी रुकी और म्यूजिशियंस को मालूम हुआ कि रिकॉर्डिंग रफी साहब की है, तो आधे घंटे में सब आ गए, गाना रिकॉर्ड हुआ और वो फिर स्ट्राइक पर चले गए। आवाज में, स्टाइल में जादू ऐसा था कि किसी भी एक्टर के लिए गाते मानो वही गा रहा है। दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, धर्मेंद्र हो, महमूद हो, जॉनी वॉकर हो, राजेंद्र कुमार हो, कितने नाम लूं। जब भी कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर शुरुआत करता था और वो पहला गीत रफी साहब उनके लिए गाते तो चार्ज नहीं किया करते थे। लेकिन फिर एक दौर आया जब उन लोगों ने भी किनारा कर लिया था जो पहले पांव छूकर निकला करते थे। लेकिन मनमोहन देसाई डायरेक्टर्स में से रहे जिन्होंने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। इनकी हर फिल्म में रफी साहब का एक गीत जरूर होता। फिल्म नसीब, देश प्रेमी, अमर अकबर एंथनी या फिर धर्मवीर। कहा जाता है धर्मवीर के एक गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थोड़ा सा कश्मकश में हो गए थे कि इनसे गवाया जाए या फिर नहीं। मनमोहन देसाई ने कहा, रफी साहब अगर खराब भी गाएंगे ना तो भी वो अच्छा ही होगा। और वो गीत इनकी आवाज में ही रिकॉर्ड हुआ। जानते हैं वो गीत कौन सा था? ओ मेरी महबूबा, महबूबा, महबूबा। दिल इतना बड़ा था कि एक बार 1978-79 के दौरान ये 2 महीने के लिए बाहर कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा, साहब बहुत सारी फिल्म जो है वो रिलीज पर है, गाने रिकॉर्ड करने हैं, आपका लंबा टूर है, फिल्म्स तो लटक जाएंगी। रफी साहब बोले, तुम रिकॉर्डिंग फिक्स कर लो, मैं एक साथ ही सारे गाने रिकॉर्ड कर दूंगा। और फिर एक ही दिन में रफी साहब ने 5 गाने रिकॉर्ड किए थे। सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, अगले दिन सुबह 5 बजे तक रिकॉर्डिंग चली थी। इन्हें जानने वाले सब कहते हैं, ये हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और मुझे लगता है जिसने भी उन्हें सुना है उसके दिल में रफी साहब की आवाज़, उनका कोई ना कोई गीत जरूर बसता है।